बीएमसी को पूरी मुंबई में ना सड़कों पर गड्ढे नजर आए, ना इलीगल स्लम्स नजर आए। उन्हें नजर आया कंगना रनौत का ऑफिस, जिसको नोटिस कल दिया और आज उसे कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि जो कुछ बीएमसी ने किया है उससे साफ जाहिर होता है कि बीएमसी की ये प्री प्लानिंग थी कि 9 तारीख को कंगना आने वाली है और 9 तारीख को ही कंगना को चोट पहुंचाई जाएगी। वो ऑफिस जिसको कंगना ने अपनी मेहनत से खड़ा किया, आज उसको बीएमसी की जेसीबी ने तोड़ दिया। कंगना रनौत मुंबई पहुंचे उससे पहले ही बीएमसी अपना काम कर चुकी है। इनफैक्ट बीएमसी ने अपनी टाइमिंग ऐसी रखी कि हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही बीएमसी अपना काम करके चली गई। 24 घंटे पूरे हो गए, यानी कि कल सुबह जिस टाइम उन्होंने नोटिस चस्पा किया था वो ध्यान में रखकर किया था कि इस टाइम हमें नोटिस चस्पा करना है ताकि कोर्ट की सुनवाई से पहले ही 24 घंटे हो जाए, और वो हुआ और बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर कंगना रनौत का कहना है कि उन्होंने इस ऑफिस में कुछ कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं, तो फिर बीएमसी ने कैसे इस ऑफिस को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने कोविड के चलते 30 सितंबर तक सारे डिमोलिशंस को बैन किया है, ऐसे में बीएमसी ने रूल्स और गाइडलाइंस को तोड़ते हुए कैसे कंगना का ऑफिस तोड़ा। आज हाईकोर्ट में हियरिंग थी, हाईकोर्ट ने बीएमसी के डिमोलिशन पर स्टे लगा दिया है, लेकिन उससे पहले ही बीएमसी की गैंग जो थी वो कंगना का ऑफिस ऑलरेडी तोड़कर निकल चुकी थी। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने जो अपना स्टेटमेंट पेश किया है हाईकोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है कि कंगना ने इस ऑफिस में अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन करवाया ही नहीं, इसीलिए जो स्टॉप वर्क वाला नोटिस है वो नोटिस ही बेसलेस हो जाता है। रिजवान सिद्दीकी ने अपनी इस अपील में लिखा है कि साफ साफ डिमोलिशन के पावर को यहाँ पर मिसयूज किया गया है। आज डिमोलिशन के बाद बीएमसी की टीम फिर से कंगना के ऑफिस के बाहर एक नोटिस चस्पा करके गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मना करने के बावजूद आपके ऑफिस में काम चलता रहा, इसीलिए ये जो डिमोलिशन किया गया है, जो कुछ भी आपके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, ये आपकी रिस्क पर ही है। आपको बता दें कि बीएमसी जो है पूरे इंडिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है। कई स्टेट्स के इतने बजट नहीं होते हैं जितना बजट बीएमसी के पास है। बीएमसी का खजाना बहुत बड़ा है और सभी लोग बीएमसी की इस हरकत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही बीएमसी ने एक्ट्रेस का ऑफिस तोड़ दिया हो, लेकिन एक एक्ट्रेस काफी है बीएमसी की नींव हिलाकर रख देने के लिए। जाहिर सी बात है बीएमसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस वक्त बौखलाई हुई है, कंगना को स्टॉप करने का कोई जरिया उनके पास नहीं बचा, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया, कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स खेली।